वैसे तो सलमान खान के बड़े से बड़े फैन को उनकी हर मूवी का वेट होता है, और अगर उनके फैंस से पूछा जाए उनकी आने वाली मूवीज कौन सी हैं, तो वो उंगली पर बिना सांस लिए बता देंगे उनकी आने वाली मूवीज के नाम। फिर चाहे वो किसी का भाई किसी का जान हो, टाइगर 3 हो, पठान में उनकी कैमियो हो, नो एंट्री का सीक्वल हो या किक 2 का सीक्वल हो। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम ना उनके फैंस ने सुना होगा और ना ही उनको एक्सपेक्टेशन होगी कि उनके बर्थडे पर ये मूवी रिलीज होने वाली भी है। और तो और, इस मूवी की एक क्लिप भी लीक हो गई है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा डिस्कशन भी चालू है। तो अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और आपको लगता है आपने उस मूवी का नाम नहीं सुना, तो आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा इस मूवी के कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पूरा डायरेक्शन किसने किया है और ये मूवी आखिर कब रिलीज होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के नाम का। तो इस मूवी का नाम है बियॉन्ड द स्टार, यानी स्टार से परे। सलमान खान की मच एंटिसिपेटेड डॉक्यू सीरीज है। बेसिकली ये मूवी नहीं है, डॉक्यू ड्रामा और डॉक्यू सीरीज का मिक्सअप होता है, वो डॉक्यू ड्रामा सीरीज होता है, यानी थोड़ा डॉक्यूमेंट्री और थोड़ा डॉक्यू ड्रामा। इसमें बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ की ऐसी पर्सनली रिकॉर्ड की गई हैं जो उनकी फिल्मों से स्टारडम से परे हैं। फिर चाहे उनके साथ स्टाफ में काम करने वाले लोगों की बाइट्स हों, उनके बचपन के अनदेखे रेयर फुटेजेज हों, उनके फिल्मों के बैक बिहाइंड द सीन विजुअल्स हों, फोटोज हों, मल्टीमीडिया हों, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं। और इस मूवी को रिलीज करने वाले अप्लॉज एंटरटेनमेंट, जो कि बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं। अब इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसकी बात भी कर लेते हैं। बहरहाल कहा जा रहा है ये मूवी उनके बर्थडे पर यानी 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका आइडिया कहाँ से आया ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली सलमान खान की इस डॉक्यू सीरीज में उनके फादर सलीम खान साहब भी इन्वॉल्व हैं, उनके भाई अरबाज खान भी इन्वॉल्व हैं, सोहेल खान भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इस मूवी में आपको बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे मिलेंगे जो सलमान खान को लेकर अपनी अपनी राय रखेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव बातें भी होंगी, निगेटिव बातें भी होंगी और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी होंगे, जैसा कि टीजर से मालूम पड़ता है। अगर हम नामों की बात करें तो मूवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस डॉक्यू सीरीज में। ये सारे लोग सलमान खान की बियॉन्ड द स्टार इमेज को लेकर एक तरह का एनेक्डोट दे रहे हैं। हालांकि सलमान खान ने खुद इस बात को रिवील किया था, इस मूवी का जो आइडिया था वो रोमानियन एक्टर मॉडल उनके फ्रेंड लुलिया वेंटूर का था। उन्होंने कहा था ये डॉक्यू सीरीज बननी चाहिए, इस सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आया सलमान खान को। फिर लुलिया ने इस पूरे आइडिया को उनके स्टाफ के साथ डिस्कस किया, को एक्टर के साथ, फ्रेंड के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, सबको लगा इस मूवी में उनको काम करना चाहिए। इसके बाद जाकर लुलिया ने ये आइडिया आंद्रे जो टेमनस रीज मूवी के प्रोड्यूसर हैं उनको सुनाया, और बाद में ये प्रोजेक्ट पहुंच गया अप्लॉज एंटरटेनमेंट के पास, जो कि बहुत ही क्लासिक तरीके से प्रोड्यूस किया गया है। सलमान खान इस मूवी को लेकर एक्साइटेड बहुत हैं, बिकॉज ये मूवी उनकी पहली बार पर्दे के पीछे की इमेज को डिकोड करेगी। उनके किरदार क्या हैं, उनकी रियल लाइफ में अपनी प्रेजेंस क्या है, परिवार के साथ उनकी केमिस्ट्री क्या है, दोस्त उनके बारे में क्या मानते हैं। हालांकि आपने इसी तरह की एक डॉक्यू सीरीज सचिन तेंदुलकर की लाइफ पर पहले भी देखी होगी, तो उनके फैंस के लिए सलमान खान की किसी ट्रीट से कम नहीं है। बिकॉज अभी तक आप उनको पर्दे के आगे भाईजान में, राधे में, भारत में, सुल्तान में देखते आए, लेकिन पर्दे के पीछे भाईजान का असली चेहरा क्या है वो इस सीरीज बियॉन्ड द स्टार में दिखाई देगा। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।